हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। मैं सुरेंद्र पांडे लेकर आया हूं 15 अक्टूबर 2018 के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स में हम देखेंगे कि कौन कौन से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल मुद्दे जो हैं छाए रहे, और इनके इर्द गिर्द यानी 360 डिग्री अप्रोच लेते हुए देखेंगे कौन कौन से जीके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या संभावना है उनकी। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो करंट अफेयर क्लास है वो डेली मंडे टू संडे होता है शाम को 6 बजे, और हम इसे रिकॉर्ड करके लाइव करते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम अपने करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे से। कल का जो हमारा पहला क्वेश्चन ऑफ द डे था कि वो था कि वॉट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ जापान, यानी जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो काफ़ी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया, तो राष्ट्रीय खेल कौन सा है, सुमो रेसलिंग जो है ये जापान का राष्ट्रीय खेल है, सुमो कुश्ती। और बेसबॉल किसका है, बेसबॉल जो है ये अमेरिका का जो है राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, बेसबॉल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो हमने अभी कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, तो ये जो है आपका रुंगराडो मे स्टेडियम। रुंगराडो मे स्टेडियम जो है ये आपका कहाँ है, ये नॉर्थ कोरिया में है, और ये विश्व का सबसे बड़ा बाई सीटिंग कैपेसिटी फुटबॉल स्टेडियम है। फिर आपका कैंप नो स्टेडियम ये सेकेंड नंबर पर आता है, और ये कहाँ है, ये आपका बार्सिलोना स्पेन में है। कहाँ पे, बार्सिलोना स्पेन में। एस्टेका स्टेडियम ये आपका मेक्सिको में है, और मेलबोर्न जैसा पता है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देश के हिसाब से आपको स्टेडियम्स भी बता दिए। अब चलिए बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हैं हमारे वीडियोज़ को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, क्योंकि मैक्सिमम आप जितना लाइक करेंगे हम रैंक करेंगे, हम मोटिवेट भी होंगे। प्लस आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेस ग्रुप में, प्लस कमेंट भी करें, और डेफिनेटली जो है सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की अपने पहले क्वेश्चन से। जैसा कि आप सबको पता है भारत और वेस्ट इंडीज़ का जो है टेस्ट सीरीज चल रहा था, जिसे भारत ने जो है 2-0 से जीत लिया है, और वो भी बहुत करारी जो है शिकस्त देते हुए वेस्ट इंडीज़ को भारत ने ये जो टेस्ट सीरीज था ये 2-0 से जीता है। तो उसी पे आपका क्वेश्चन बेस्ड है, आपको बताना है कि हु वॉज एडजस्ट मैन ऑफ द सीरीज इन जस्ट कंक्लूडेड इंडिया वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज। तो आपको क्या बताना है कि भारत वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे दिया गया। तो जी हाँ, आप लोग अगर गेस कर रहे हैं तो ये सही है। ये पृथ्वी शॉ ये यंग प्लेयर हैं, 18 साल के हैं, और इनको काफ़ी लोग जो हैं तेंदुलकर लारा से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आते ही जो है अपने टेस्ट डेब्यूट में जो है पहली सेंचुरी लगा दी। कुछ जो खास बातें हम इस सीरीज से जो हम लेकर जाएंगे, तो कुछ खास बातें ये हैं कि सबसे पहले आपको बता दें कि उमेश यादव जो हैं ये रहे प्लेयर ऑफ द मैच, यानी कि जो दूसरा टेस्ट मैच खेला गया ये कहाँ खेला गया आपका, ये हैदराबाद में खेला गया था दूसरा टेस्ट मैच, सेकेंड टेस्ट। ठीक है, ये हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, और जो पहला मैच था वो राजकोट में खेला गया था फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, तो सेकेंड टेस्ट में जो है उमेश यादव को प्लेयर ऑफ द मैच दिया, क्योंकि ये इन्होंने जो है 10 विकेट जो है एक मैच में लिया, यानी कि एक टेस्ट में 2 इनिंग्स होते हैं एक टेस्ट मैच में, एक मैच में 10 विकेट लेने वाले ये भारत की ओर से तीसरे गेंदबाज बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। कौन है ये थर्ड फास्ट बॉलर टू टेक 10 विकेट्स इन अ टेस्ट मैच, इन अ टेस्ट मैच। ठीक है दोस्तों, और पहले दो कौन से हैं, तो पहले आपके हैं कपिल देव, और दूसरे नंबर पे हैं जावगल श्रीनाथ। ठीक है, पहला इन्फॉर्मेशन आपका ये हो गया। अब है पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ जो है ये अगर बात करें तो ये ही इज द यंगेस्ट इंडियन। ठीक है, ये यंगेस्ट इंडियन है टू हिट अ टेस्ट डेब्यू सेंचुरी। तो यानी कि टेस्ट डेब्यू पे ही जिसने किसी ने अगर सेंचुरी मारी है उसमें यंगेस्ट कौन है, ये आपके
कौन है, तो पृथ्वी शॉ है। और अगर हम हटा दें कि टेस्ट डेब्यू नहीं रखते हैं तो ये सेकेंड यंगेस्ट इंडियन हो जाते हैं सचिन तेंदुलकर के बाद, जिन्होंने कि कोई टेस्ट सेंचुरी मानी है, लेकिन डेब्यू के बेसिस पे ये यंगेस्ट इंडियन है। ठीक है, आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। दूसरा जो है फैक्ट आपको जो याद रखना है कि भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा ऐसा देश है, यानी कि इंडिया इज सेकेंड ओनली टू ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड ओनली टू ऑस्ट्रेलिया टू विन 10 टेस्ट सीरीज, 10 टेस्ट सीरीज कंसेक्यूटिवली एट होम। सो इसका मतलब ये है, जो हिंदी में देख रहे हैं उनके लिए ये है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा ऐसा देश है जिसने कि डोमेस्टिक यानी कि खेलते हुए, भारत में खेलते हुए 10 टेस्ट सीरीज जो हैं लगातार जीते हैं। और भारत ने अपना ये कैंपेन जो है 2012 में चालू किया था, उसके बाद जो है 10 टेस्ट सीरीज जो कंसेक्यूटिवली होम पे जीते हैं वो भारत ऐसा दूसरा देश है। सो ऑस्ट्रेलिया जो है इसने ये ऐसा कारनामा 2 बार कर दिखाया है। तो ये फैक्ट्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं जो आपको अपने पास जो है हमेशा याद करके रखने हैं। तो ये देखिए, ये रहे हमारे यंग पृथ्वी शॉ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हु रिसेंटली वन द शंघाई मास्टर्स ऑफ टेनिस। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि हाल ही में किसने टेनिस का शंघाई मास्टर्स खिताब जीता। तो ये जो है नोवाक योकोविक, इन्होंने जो है ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, यहाँ से ये जानकारी मिलती है। और इन्होंने बोर्ना कोरिक को फाइनल में हराया, और बोर्ना कोरिक जो है ये क्रोएशिया के खिलाड़ी हैं। रॉजर फेडरर, जैसा आप सबको पता है, ये विश्व के सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम यानी कि इन्होंने टोटल 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, और ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। और नोवाक योकोविच ने ये शंघाई मास्टर जीतने के साथ ही क्या है, एक रिकॉर्ड स्थापित किया कि इन्होंने रिकॉर्ड 4 बार शंघाई मास्टर्स जीता है। कितनी बार? 4 बार शंघाई मास्टर्स इन्होंने रिकॉर्ड जीता है कि इन्होंने नोवाक योकोविच में। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी मिल जाती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले जो है नोवाक योकोविच की ये रही तस्वीर, अगर तस्वीर आता है तो आपको ये पहचान लेना है। कई लोग इनफैक्ट केबीसी खेलते होंगे, आई होप काफ़ी लोग खेलते होंगे, तो केबीसी में कभी कभी इमेज भी दिखाया जाता है, तो आप इमेज भी याद रख के अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि वेयर विल बी द 6th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर हेल्ड। सो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा। तो जी हाँ, इसका 6वां संस्करण जो है कल यानी कि 16 अक्टूबर को जो है ये चालू होगा, और ये 3 दिन का फेस्टिवल है। कितने दिन का? ये 3 दिन का फेस्टिवल है। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? इसको जो है, इसमें एक पार्टनर जो है वो है आपका सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है, ये एक पार्टनर है, और ये अपना एक जो है पेविलॉन भी यहाँ पर लगाएगा सेंट्रल सिल्क बोर्ड। ठीक है, सो आपको बताना है कि ये कहाँ आयोजित होगा। तो जी हाँ, ये नई दिल्ली में आयोजित होगा। कहाँ? तो नई दिल्ली में प्रगति मैदान में ये आयोजित होगा। अब जो है यहाँ से सेंट्रल सिल्क बोर्ड की बात आई है, तो आपको सेंट्रल सिल्क बोर्ड का स्थापना चेयरमैन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है 1948 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है बैंगलोर में है, और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? तो वो है आपके के हनुमंत रयप्पा। कौन? के हनुमंत रयप्पा। ठीक है, ये इसके जो है चेयरमैन है सेंट्रल सिल्क बोर्ड के। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, सो टू कॉम्बैट पोल्यूशन इन विच सिटी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान केम इनटू फोर्स ऑन अक्टूबर 15, 2018। सो प्रदूषण से निपटने हेतु किस शहर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 15 अक्टूबर 2018 को लागू हो गया है। अब जैसा कि पता है कि भारत के अंदर जो है एयर जो क्वालिटी है वो बहुत ही गंदा है, क्योंकि अगर वर्ल्ड इसकी WHO की बात करें तो उनके आंकड़ों के हिसाब से क्या है कि वर्ल्ड में जो टॉप 20 पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें भारत के कितने सिटीज़ मौजूद हैं। सो टॉप 20 में, टॉप 20 जो पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, अगर ये आंकड़े सही हैं तो क्या है कि टॉप 20 पॉल्यूटेड सिटीज़ में से भारत के 14 सिटीज़ जो हैं टॉप 20 में आते हैं, और ये अपने आप में जो बहुत गंभीर समस्या है एयर पोल्यूशन का। तो आपको बताना है कि हाँ, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान किस
जो है शहर में लागू हुआ है आज से। तो ये आपका जो है इसमें जी हाँ करेक्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, क्योंकि आप लोग जो है काफ़ी दिन से समाचार भी सुन रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर काफ़ी लड़ाई चली है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, खास करके हवा की क्वालिटी को लेकर। और इनफैक्ट ये लड़ाई जो है कहाँ से उत्पन्न होती है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि जो पंजाब और हरियाणा में जो स्टबल बॉर्न किया जाता है यानी कि खेती के बाद जो ठूंठ छूट जाती है उसको निकालने की बजाय क्या है कि उसको जला दिया जाता है। अब चूंकि क्या है कि जो जनरली जो एयर सर्कुलेशन है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर चलता है, सो उससे क्या है कि जो जली हुई हवा है प्रदूषित हवा वो आके दिल्ली को पूरा इनगल्फ कर लेती है। और जो दिल्ली में रहता है उसे खास करके पता ही होगा क्योंकि पिछले साल भी बहुत ज़्यादा स्मॉग हो गया था और सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो इसी से जो है हालांकि इस पर अभी तक कोई जो है सोल्यूशन नहीं निकल पाया है कि कैसे स्टबल बर्निंग को रोका जाए। और इनफैक्ट अगर बात करें तो किसानों ने ये स्टबल बर्निंग चालू कर दी है और आने वाले दिनों में ये समस्या बहुत ही गहरा जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब आइए समझते हैं कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान क्या है। तो अगर बात करें तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है ये पर्यावरण मंत्रालय ने मार्च 20 2017 को नोटिफाई कर दिया था और ये इसे बनाया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो मैंडेटेड एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। और ये जो है इस ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट करेगी। इसके अलावा जो है दिल्ली के स्पेसिफिक जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान है, एक तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है, दूसरा है दिल्ली से स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान, तो इसको बनाया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। ठीक है, अब ये जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है इसमें जो है टोटल 5 कैटेगरीज रखी गई हैं जो आपको याद रखना है। इनफैक्ट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो 5 कैटेगरीज रखी गई हैं वो ये है सीवियर प्लस या जिसे हम इमरजेंसी बोलेंगे, फिर सीवियर, वेरी पुअर, मॉडरेट टू पुअर और मॉडरेट, ये 5 कैटेगरी रखी गई हैं। और जो ग्रैप है ये ट्रिगर कब हो जाएगा, जब जो पीएम यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 लेवल्स जो है ये 300 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से ऊपर रहेगा और जो पीएम 10 लेवल्स के पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो 500 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से जो है कि आपका ज़्यादा रहेगा। यानी कि पीएम 2.5 कितना है 300 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर और पीएम 10 लेवल्स कितना है 500 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अगर इन दोनों से ऊपर ये दोनों कंडीशन लागू है तो ग्रैप जो है ये अपने आप ऑटोमेटिकली फोर्स में आ जाएगा। तो ग्रैप में जो है हमने 5 कैटेगरी दी है, उसमें से हमने 4 ये जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पे बताई हैं जो कि जो एक्टिविटीज़ की जाएंगी। सबसे पहले है इमरजेंसी, तो इसमें हमने क्या कहा कि ये लागू होगा कौन सा इमरजेंसी में, पिछले 48 घंटे में पार्टिकुलेट मैटर जो है 2.5 का 300 माइक्रोग्राम जो है आपका पर क्यूबिक मीटर है या पार्टिकुलेट मैटर 10 जो है वो 500 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। तो इसमें क्या है कि ऑड इवन स्कीम चालू करना, दिल्ली के अंदर ट्रक्स की एंट्री जो होगी वो रुक जाएगी और प्लस एक टास्क फोर्स जो है बनाया जाएगा जो कि दिल्ली में स्कूल बंद करने को भी कह सकता है। ठीक है, तो ये लागू हो जाएंगे इमरजेंसी सिचुएशन में। सीवियर सिचुएशन में क्या होगा कि इसमें जो क्राइटेरिया है वो है कि पार्टिकुलेट जो 2.5 मीटर है वो 121 से 250 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है और पार्टिकुलेट मैटर 10 जो है ये 351 से 430 के बीच में है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो ब्रिक किन्स है यानी कि जो ईंटों की भट्टा फैक्ट्री है उसे जो है बंद कर दिया जाएगा, स्टोन क्रशर्स बंद कर दिए जाएंगे जो कि बदरपुर पावर प्लांट का है, प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंटेंसिफाई कर दिया जाएगा। अब जब वेरी पुअर की बात आती है तो वेरी पुअर आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्या है ये, और इसमें क्या होगा कि डीजल जनरेटर्स का यूज़ ख़त्म कर दिया जाएगा, प्लस पार्किंग फी को 3 से 4 टाइम बढ़ा दिया जाएगा, बस मेट्रो की सर्विसेज इंक्रीज़ की जाएंगी और कोल फायरवुड जो है होटल्स या जो खाने की जगह है वहाँ पे बैन कर दिया जाएगा। और जो मॉडरेट पुअर है जो कि लागू हो चुका है आज से, सो मॉडरेट पुअर अभी क्योंकि मॉडरेट टू पुअर अभी है चल रहा है, तो इसमें क्या होगा कि गार्बेज बर्निंग रोक दिया जाएगा, स्वीपिंग होगी रोड्स पे मैकेनाइज स्वीपिंग, वाटर स्प्रिंकलिंग होगी, प्लस जो है एससी जो है फायर क्रैकर्स पे बैन लगा सकता है। तो दोस्तों समझ जाइए
कि आपकी दिवाली भी खट्टी हो सकती है, ठीक है। और प्लस सोशल मीडिया जो है उसको वेहमेंटली यूज़ किया जाएगा सो दैट कि पीपल को इन्फॉर्म किया जाए। तो दोस्तों ये जानकारी हमने आपको इसलिए दी किताब ताकि आप भी जो है अवेयर हो सकें कि क्या क्या हो सकता है जब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है लागू हो चुका है तो क्या क्या दिल्ली में सिचुएशन अराइज हो सकते हैं। सो यू आर बेटर प्रिपेयर्ड। ओके चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, सो व्हाट इज द नेम ऑफ ऐप लॉन्च्ड बाय इलेक्शन कमीशन टू चेक इलेक्ट्रॉल माल प्रैक्टिसेस। सो निर्वाचन कदाचार को रोकने के लिए चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? तो शुरू किए गए ऐप का नाम है सी विजिल। क्या है? सी विजिल। तो ये जो ऐप है ये पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे यूज किया जाएगा और इसको जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन है आपके? तो ये आपके लिए मैं जीके का क्वेश्चन आपको छोड़ रहा हूं, बताना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारे इंडिया के, आपको कमेंट बॉक्स में ये रिप्लाई करना है। सो सीईसी जो है उन्होंने जो है जुलाई 3 को जो है इसका अनावरण किया था और जो है ये सी विजिल का मतलब है सिटीजन विजिल। तो इसके तहत क्या है कि ये सिटीजन विजिल जो है ये एक एंड्रॉयड ऐप है, आप अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और चूंकि अभी 5 जो राज्य हैं वहाँ पे असेंबली इलेक्शंस होने हैं तो वो 5 राज्य कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5 स्टेट्स के नाम। सो आपका है राजस्थान, आपका मध्य प्रदेश, आपका है छत्तीसगढ़, फिर मिजोरम और आपका तेलंगाना। सो यहाँ पे जो है अब क्या है कि इलेक्शन डेट्स इसके अनाउंस हो चुके हैं तो इसलिए क्या हो चुका है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। तो दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बहुत डिटेल में बताया था। तो आपको बताना है कि किस राज्य के लिए निर्वाचन आयोग ने पहली बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 1962 में लागू किया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट में आंसर करना है। तो ये 5 स्टेट्स है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। अब क्या है कि जिसके पास भी ये जिस सिटीजन के पास भी ऐप रहेगा वो जो है देखेगा कि कहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन हो रहा है और वो क्या करेगा 2 मिनट का वीडियो बना के उस पर अपलोड कर देगा और ये जो है कि जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है वहाँ पे पहुँचेगा और उस हिसाब से जो है आपका जो है एक्शन लिया जाएगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन को रोकने के लिए, ठीक है। सो ये आपका है सी विजिल ऐप। ओके ठीक है, आई थिंक सो यहाँ पे क्लियर है जानकारी। चलिए अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन पे। हमारा छठा क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड फर्स्ट जॉइंट प्रोग्राम फॉर अफगानिस्तान टू ट्रेन इट्स डिप्लोमैट्स। सो किस देश ने हाल ही में अफगानिस्तान के लिए अपने राजनयिकों को प्रशिक्षित करने के लिए पहला संयुक्त कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपको बताना है भारत के साथ मिलकर किसने किया है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका चाइना। और ये जो है कब एग्री किया गया था, जब इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी किसके किसके बीच में, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच में। कहाँ कब हुई थी इनफॉर्मल मीटिंग? वुहान में हुई थी और किसके किसके बीच में, जी जिनपिंग और हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जो है ये भारत के प्रधानमंत्री हैं और जो जी जिनपिंग है ये चाइना के जो है प्रेसिडेंट है। तो इन दोनों के बीच में जो वार्ता हुई थी इनफॉर्मल वार्ता, उसके बाद जो है इसके लिए भी एक कदम लेने की बात कही गई थी, तो उसी के तहत लिया गया ये एक कदम है कि भारत और चीन दोनों मिलकर अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स को ट्रेन करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेम द पुलिस ऑफिसर ऑफ ओडिशा हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड विथ अशोक चक्र। अब जैसा आपको पता है अशोक चक्र जो है शांति के समय का सबसे हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ओडिशा के पुलिस अधिकारी का नाम बताएं जिन्हें हाल ही में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया और इन्हें जो है पोस्टमसली जो है यानी मरणोपरांत जो है सम्मानित किया गया है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका असिस्टेंट कमांडेंट प्रमोद कुमार सतपति, यानी कि सहायक कमांडेंट प्रमोद कुमार सतपति जो कि ओडिशा के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के मेंबर थे, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के मेंबर थे। तो इन्होंने जो है आपका गंजम, जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा में, तो वहां पे जब नक्सल से मुठभेड़ के दौरान ये मारे गए थे, नक्सल से मुठभेड़ के दौरान मारे गए थे
तो उसी के कब, ये 2008 की बात है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद जो है अब जान के इनको रिकॉग्निशन मिला है, और होम मिनिस्टर ने कल ऐसा अनाउंस किया कि इस साल यानी कि जो है जो अब 26 जनवरी आएगा उस समय जो है प्रमोद कुमार सतपथी को अशोक चक्र से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा, और ये मरणोपरांत। अब बाकी जो तीन नाम है मैं उनके भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। तो पहला बी जो है कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला, तो ये जो है कॉर्पोरल ये इंडियन एयरफोर्स के मेंबर थे, और इनको मरणोपरांत जो है जनवरी 2018 यानी कि 26 जनवरी 2018 को इनकी धर्मपत्नी और इनकी माताश्री को जो है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, ठीक है। प्लस मेजर विजयंत बिष्ट, इनको जो है किससे सम्मानित किया गया, इनको जो है आपका कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, इनको कीर्ति चक्र से, ठीक है। सो जनवरी 2018 में एक अशोक चक्र और एक कीर्ति चक्र दिया गया था। अब जो लास्ट ऑप्शन है फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास विश्वास, तो ये जो है ये फर्स्ट जो है फर्स्ट पर्सन है जिनको इज द फर्स्ट पर्सन जिनको कि अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। कब, तो इनको 1952 में सम्मानित किया गया था। सो ही इज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवार्डेड विथ अशोक चक्र, और अशोक चक्र क्या है, ये पीस टाइम का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, और ये वॉर टाइम में जो परमवीर चक्र है ये उसके बराबर होता है। अगर वॉर टाइम की बात करें तो कौन कौन सा होता है, परमवीर चक्र और महावीर चक्र, और पीस टाइम में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। तो ये जो है आपका जो होता है जो गैलेंट्री अवार्ड है इनका प्रेसिडेंस है। अब हम आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहेंगे कि क्या केवल ये पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलिट्री को ही दिया जाता है, तो जी नहीं, अब जो है ये सिविलियंस को भी दिया जाता है, ठीक है, ये सिविलियंस को भी दिया जाता है। और जो है अभी मुझे इसके बारे में जानकारी जो है क्लियर हुई है, और ये मेरे लिए अपने आप चौंकाने वाली बात है कि ये सिविलियंस को भी ब्रेवरी के लिए दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ये रहा अशोक चक्र, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है आपको याद रहेगा। सो इट वॉज फाउंडेड या एस्टैब्लिश कब था, 4 जनवरी 1952 को, ठीक है। अब तक जो है कुल कितनों को दिया जा चुका है, कुल मिला के 84 लोगों को है अब तक ये अवार्ड दिया जा चुका है, कितने, 84 लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है, और ये जो है यूएस के मेडल ऑफ ऑनर के बराबर है, मेडल ऑफ ऑनर, और ब्रिटेन के ये जॉर्ज क्रॉस के बराबर है, ठीक है, ब्रिटेन के जॉर्ज क्रॉस के बराबर है। और इसके तहत जो है 1999 में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत जो है जो भी जिनको भी अशोक चक्र मिलता है उनको 1400 रुपये पर मंथ का जो है स्टाइपन मिलता है, कितना, 1400 रुपये पर मंथ का स्टाइपन मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बटालियंस आर लाइकली टू बी देयर इन प्रपोज्ड इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, तो प्रस्तावित एकीकृत युद्ध समूह आईबीजी में कितने बटालियन होने की संभावना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका इसमें 6 बटालियन होंगे। और ये जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है अगर बात करें तो ये जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है ये इसकी जो मतलब इसको जो क्लियरेंस मिली ये अभी हाल ही में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी नई दिल्ली में। तो उस समय जो है फॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के क्रिएशन को जो है मंजूरी दे दी गई। अब इसके तहत क्या है कि ये आर्मी का जो कॉम्बैट स्ट्रैटेजी जो प्लान है कॉम्बैट स्ट्रैटेजी के प्लान के तहत जो है ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप एक कदम है। दूसरा ये है कि रीसाइज आर्मी, सो रीसाइज आर्मी के तहत क्या होगा कि लगभग जो है 1 लाख से 1.5 लाख, ठीक है, 1 लाख से 1.5 लाख जो इंडियन आर्मी के फोर्सेस हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो है काफी बल्कि है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है लगभग इतने पे कितना होता है 70,000 करोड़। अगर 1 लाख से 1.5 लाख रुपए जो है सॉरी 1 लाख से 1.5 लाख आर्मी मैन हम कम कर देंगे तो जो इंडियन आर्मी है वो लगभग 70,000 करोड़ रुपए सालाना जो है एक्सपेंडिचर में बता सकती है, और इसको जो है वेपन्स वगैरह खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। सो इसी के तहत जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स है तो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स में जो है कितने होंगे, 6 बटालियन होंगे, और ये जो ओल्ड सिस्टम ऑफ कॉप्स है डिविजन्स है ब्रिगेड्स है और तो इनको ये रिप्लेस कर देगा। लेकिन ये रिप्लेस जो होगा ये अचानक से नहीं होगा, इसको टेस्ट किया जाएगा, और जहाँ
जो जरूरी होगा उसी ब्रिगेड या डिवीजन को इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप से रिप्लेस किया जाएगा। और इसमें और एक चीज़ है कि ये जो बैटल ग्रुप होगा इसमें जो है मिक्स होगा, एयर पावर, आर्मर और आर्टिलरी तीनों चीज़ जो है मिक्स रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब जो पुराना सिस्टम था वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, तो पुराना सिस्टम जो भी एनडीए और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए। तो पुराने सिस्टम में क्या था, सबसे ऊपर कॉप्स होता था जिसमें 8 से 10 ब्रिगेड शामिल होते हैं, ब्रिगेड में 3 से 4 बटालियन और एक बटालियन में 800 आर्मी मैन होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये डिवीजन है, ये आपको याद रखना है। ओके चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नवा क्वेश्चन है कि व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है यह हर साल यानी कि आज 15 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, और इस दिन की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी, 15 अक्टूबर 2008 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इस साल के जो इस साल का जो विषय है वो है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड सोशल प्रोटेक्शन फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन एंड गर्ल्स। तो काफ़ी लंबा थीम है याद करने के लिए, फिर भी आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ये रूरल वुमेन्स हैं और ये जो है शिप रियरिंग कर रहे हैं। तो इस डे का मनाने का मकसद ये है कि जो ग्रामीण औरतें हैं वो भी विकास में मदद करती हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ध्यान में रखना अगर कोई डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बना रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है आज का करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है, और अब जो है हम देखेंगे अपना क्वेश्चन ऑफ द डे। सो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है पहला, विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रिंट बुक, सो पुस्तक मुद्रित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, ए चाइना, बी इंडिया, सी यूएसए या डी जर्मनी। तो दोस्तों आप जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि विच इज द फर्स्ट कंट्री टू विन फुटबॉल वर्ल्ड कप, सो फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश कौन सा है, ए जर्मनी, बी ब्राजील, सी यूरोगवे या डी इटली। तो दोस्तों आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, और हम इसका आंसर जो है कल जो 6 बजे वीडियो हम प्रस्तुत करेंगे उस समय हम उस सबसे पहले देंगे। सो हमारे आंसर्स और वीडियो को देखना ना भूलें, ट्रैक करते रहें, ऐसे ही कमेंट करते रहें, एंड वी विल कीप यू पोस्टिंग। सो डोंट मिस आर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वी विल बैक अगेन टुमारो एट 6 PM। सो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक यू वेरी मच।